ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। लगातार हमें जिस तरीके से जो फोन कॉल्स आते हैं और जो समस्या बताई जाती है कि किसी परिजन का फोन आता है हमें कि हमारे घर से जो है हमने रिपोर्ट करवाई थी और हमारे घर का ये सदस्य जो है पॉजिटिव पाया गया, लेकिन हम अस्पताल में जा रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी बेड नहीं मिल पा रहा है या उपचार नहीं मिल पा रहा है। फिर हमने इस चीज़ को लेकर जांच करने की कोशिश की और जानना चाहे कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ हो रही है, तो नतीजे कुछ इस तरीके से सामने आए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से महामारी के चलते पूरे देश भर में सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, हमारे शहर में भी प्रशासन द्वारा जो कि निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए, यदि आपको किसी भी तरीके के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर डॉक्टर अगर आपको रिपोर्ट करने के लिए कहता है, टेस्टिंग करने के लिए कहता है, टेस्टिंग करें, या तो फिर अगर आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, जो कि फीवर क्लिनिक्स बनाए गए हैं, जो कि जांच केंद्र बनाए गए हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो वहां पर जाए, वहां पर जांच करवाए और वहां पर जो है स्वैब टेस्ट दे, ताकि आपकी रिपोर्ट पता चल सके कि आप किस तरीके से परेशानी से आप जूझ रहे हैं, कि आप कोरोना पॉजिटिव है या आप नेगेटिव है या फिर आपको सामान्य लक्षण है, सामान्य फ्लू है। तो ये ना करते हुए कई बार ये हो रहा है कि नागरिकों में डर सा हो गया है कि प्रशासन के माध्यम से यदि हम जाएंगे तो प्रशासन की जो प्रक्रिया होती है सील करने की, कंटेनमेंट जोन बनाने की, या फिर उन्हें ले जाने की, उन्हें क्वारंटाइन करने की, और जिस तरीके से जो कि बातें सोशल मीडिया में चलती है, जो तस्वीरें सामने आ रही है कि वहां पे प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए नागरिक ये करते हैं कि वो प्राइवेट लैब में जाके टेस्टिंग करवाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट लैब में जो है टेस्टिंग कराना गलत है, लेकिन यहाँ से दिक्कत ये हो रही है कि जब आप प्राइवेट टेस्टिंग करवाते हैं लैब भर, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो आपके पास सीधे हाथ में आती है, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका परिवार और आप जो है पूरी तरीके से मानसिक तनाव में आ जाते हैं, और उसके बाद आप जो है शहर के विभिन्न अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज के लिए अपने मरीज को जो है भर्ती कराने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, जहां पर आपको ये दिक्कत होती है कि वहां पर आपको बेड अवेलेबल नहीं होता है और लोग आपका उपचार करने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि प्रशासन ने ये कहा है कि किसी भी तरीके के मरीज का जो है उपचार आपको करना है, और 80% प्राइवेट अस्पतालों को जो है COVID-19 के लिए यानी कि कोरोना वायरस के लिए बेड रेडी रखने हैं, लेकिन ये दिक्कतें होती जब आप प्राइवेट में टेस्टिंग कराते हैं और जो प्राइवेट की रिपोर्ट है वो महानगर पालिका में कहीं ना कहीं देरी से पहुंचती है, जिसके वजह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनके पास रिपोर्ट जब तक आती नहीं कि कितने लोग आज पॉजिटिव निकले हैं, तब तक प्रशासन अपनी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाता। यानी कि अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो कहीं ना कहीं देरी हो रही है रिपोर्ट्स आने में भी और रिपोर्ट्स भेजने में, जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि प्रशासन ने जो कि सुविधाएं बना रखी है, जो कि योजनाएं बना रखी है, उसका जो है आप लाभ उठाएं। हम ये नहीं कहते कि आप प्राइवेट टेस्टिंग नहीं कीजिए, आप कर सकते हैं, ये आपका जो है नैतिक अधिकार है कि आप कहीं पे भी अपनी टेस्टिंग करवाएं, लेकिन अगर आप प्राइवेट में करवा रहे हैं तो वहां पर ये दिक्कतें काफ़ी हो रही है, जिसके वजह से काफ़ी शिकायतें भी लगातार होती है और लगातार हमें मिल रही है। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जितना हो सके प्रशासन और शासन द्वारा जो कि फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं, जांच सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जाके अपने स्वैब टेस्टिंग करवाएं, ताकि जो प्रक्रिया होती है मरीज को उपचार देने की, उन्हें आइसोलेट करने की, तो प्रक्रिया में आपको दिक्कत ना हो। तो आपको करना ये है कि जब आप प्राइवेट से टेस्टिंग कराते हैं, जब आपकी वो प्राइवेट की रिपोर्ट आती है, तो ये जानकारी जो है आप सबसे पहले उल्लासनगर महानगर पालिका के वैद्य विभाग को दें, ताकि जो है वो प्रशासन अपने प्रक्रिया के अनुसार जो है मरीज को उपचार के लिए वहाँ से ले जाए और उसका जो है उपचार शुरू किया जाए। सबसे पहले आपको यही करना है कि आप प्राइवेट में टेस्टिंग कराते हैं और जब आपके पास रिपोर्ट आती है तो आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, प्रशासन को जो है पूरी तरीके से जानकारी दे दीजिए, और उस समय तक जो है अपने घर के जो कि घर का सदस्य अगर कोई पॉजिटिव निकला तो उसे एक कमरे में रखें, ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए, आप उसे लेकर किसी भी अस्पताल में ना जाएं। सबसे पहले प्रशासन का संपर्क करें, ताकि जो है प्रक्रिया उपचार की शुरू की जाए। तो यही निवेदन हम करते हैं कि थोड़ा सा जो है सतर्कता बरतें, और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात, कोरोना से हमें जो है बचना है, सावधानी रखनी है। कोरोना के लिए जो है अगर आपको ये लगता है कि आप कोरोना संक्रमित है या फिर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आपको किसी भी तरीके का मानसिक तनाव नहीं लेना है, ये हम हर बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि मानसिक तनाव लेने से जो है मरीजों में काफ़ी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।